Hello student, good morning to all of you. Today I am going to teach you GK for class 5 and its name is Amazing Nature. Today's chapter is Amazing Nature, page number 8. Okay? In this chapter, some pictures of mountains, desert, coastal areas, river, wind and sea waves are given. And you have to write correct name with the help of boxes of words and यानी कि इस चैप्टर में जो है दिया हुआ है कुछ माउंटेंस जो है रिवर है कोस्टल एरियाज है विंड है सी वेव्स है डेजर्ट है इन सारे चीज़ के पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए और हमको क्या करना है इस बॉक्स में जो वर्ड है उसके मदद से इसको हम भरेंगे कि कौन से वर्ड क्या नेम है इसका इस पिक्चर का तो देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं देखिए वाटरफॉल मशरूम रॉक वैली सी आर्क सैंड बार सैंड डंस हैंगिंग वैली बीच ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे वन नंबर में क्या है देखिए ये पिक्चर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर है तो इसको हम क्या बोलते हैं सैंड बार बोलते हैं है ना ये बालू का जो ये है बनाया गया है यहाँ पे देखिए बार इसको हम बोलेंगे सैंड बार बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे ये तो डेजर्ट एरियाज़ है रेगिस्तान है तो इसको हम बोलते हैं सैंड डंस डेजर्ट एरियाज़ में जो है बहुत सारे सैंड्स के बड़े बड़े माउंटेंस टाइप में बने होते हैं इसको माउंटेन नहीं बोलेंगे इसको हम डन बोलेंगे है ना टीले जो है बनाए हुए हैं देखिए बड़े बड़े यहाँ पे तो इसको हम बोलेंगे बालू के जो है टीले हैं तीन नंबर में है यहाँ पे देखिए ये है हैंगिंग वैली यानी कि घाटी जो है टंगा हुआ घाटी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इसको इसका नाम क्या है हैंगिंग वैली है तो इसके मदद से हम यहाँ पे भरेंगे अब यहाँ पे देखिए ये क्या है वैली है घाटी तो आप सब जानते हैं किस टाइप के होते हैं तो यहाँ सीधे हम देख रहे हैं ये घाटी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वैली लिखेंगे ठीक है ये तो पिक्चर से ही क्लियर है मशरूम रॉक है मशरूम सेम इसी तरीके का होता है आप सब ने देखा होगा मशरूम का पिक्चर मशरूम बुक इवेस के साइंस के बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा मशरूम तो मशरूम टाइप का ही ये रॉक है सेम उसी शेप में है इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं मशरूम रॉक बोलते हैं ठीक है अब सिक्स नंबर में है बीच है घाटी है देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर यहाँ पे है बीच ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप समुद्र समुद्रीय तट जो है उसको हम बोलते हैं बीच अब यहाँ पे देखिए ये तो सीधे आप देख रहे हैं ये झरना है तो इसको हम क्या लिख देंगे वाटरफॉल लिखेंगे ये वाटरफॉल है तो इसको हम वाटरफॉल लिखेंगे ठीक है यहाँ सी आर्क है यहाँ पे आर्क बना हुआ है देखिए यहाँ पे आर्क बना हुआ है इससे समुद्र में जो है आर्क बना हुआ है इस मेहराब जो होता है उसको मेहराब जो होता है उसको बोलते हैं आर्क का मतलब होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सी आर्क लिखेंगे ठीक है क्लियर है अब आप क्या करिए इसको फील करिए अपना पेज नंबर 8 निकालिए और इसको फील करिए और याद करिए ठीक है नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू